भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन मुरादाबाद मंडल तथा श्रमिक समाज कल्याण संघ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुरादाबाद के संयुक्त तत्वाधान में शोषित समाज का अस्तित्व कैसे बचाया जा सके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री जगदीश शरण ने की तथा संचालन श्री शेर सिंह सेन ने किया तथा विचार गोष्ठी में भारत में शोषित समाज पर जातीय स्तर पर हो रहे अत्याचार शोषण उत्पीड़न को रोकने तथा समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए तथा समाज को मजबूत करने के तथा कृतियां छोड़ने के लेकर उद्देश्य दिए गए। मांस मदिरा का सेवन न करने तथा अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने युवा पीढ़ी को चरित्रवान टेक्निकल बनाने पर भी जोर दिया, जिसमें वह सरकार की नीतियों के सहारे न चलकर स्वयं पर रोजगार पैदा करें तथा सम्मान के साथ अपना सिर ऊंचा करके अपने भारत देश और शोषित समाज का विकास कर सके। वक्ताओं ने महिलाओं को भी जागरूकता पैदा करने तथा सम्मान के साथ जीने की तथा आत्मरक्षा की शिक्षा देने पर जोर दिया। वक्ताओं ने समाज के बुद्धिजीवों और पढ़े लिखे युवाओं को बड़े स्तर पर संगठित होकर आंदोलन चलाने का भी आह्वान किया। कहीं से भी मतलब देखा जाए तो दुनिया में जो भी प्रगति हुई है वो प्रगति पहली बात में बताना चाहिए, जो भी प्रगति जो भी जगह यहाँ पे विकास हुआ है दुनिया में वो विज्ञान की है और विज्ञान की वजह से ही हम आज मतलब आगे उन्नति करते हैं। कोई देश दुनिया में विज्ञान से ही आगे बढ़ा हुआ है तो हमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि विज्ञान को हमें सर्वप्रथम मतलब अपनाना पड़ेगा, विज्ञान को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पाखंड है जो देवी देवता है देवी देवता का हमारे अस्तित्व में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। तो जो भी हमारे जो प्रगति हुई है देवी देवताओं को हमें किसी भी तरीके से प्रगति में कहीं पर भी कोई उनका योगदान नहीं है और विज्ञान से ही हम आगे बढ़े हैं। तो जो हमें भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है वो भी विज्ञान का रास्ता है। भगवान बुद्ध ने उस समय उनको तथागत कहा जाता था, तथागत इसलिए कि उनको तत्व का ज्ञान था। तो वो विज्ञानवादी एक सोच विचार आया कि उसकी वजह से हमारा देश पूरी दुनिया में एक विश्वगुरु कहा जाता था। तो आज भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में अगर हमारा नाम जो दिया जाता है जाना जाता है वो विश्वगुरु इसीलिए जाना जाता है। यहाँ पे हमारे समाज की खास तौर से अगर बात की जाए तो हमारे समाज को शोषित समाज कहा जाता था। नमन करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय भीम। महसूस किया कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, हम बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके उनसे ये महसूस उनसे विचार लें उनका मार्गदर्शन लें और उस मार्गदर्शन पर हम कार्य करें। तो इन्हीं बातों को लेते हुए हमने ये कार्यक्रम किया। हमारे बहुत ही सीनियर साथी एके सिंह यादव जी यहाँ मौजूद है, ये हरदोई से आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अपने प्रथम वक्ता के रूप में और जो बहुत ही सुझे हुए और बाबा साहब और भगवान बुद्ध से बहुत ही प्रेरित हैं हमारे उत्तर रेलवे में एक बहुत ही सम्मानित पत्र आसीन है। मैं श्री प्रदीप कुमार जी से अनुरोध करूंगा आप आए और इस बिंदु पर अपने विचार रखते हुए हमें मार्गदर्शन दें कि हम कैसे अपने अस्तित्व को बचाएं और कैसे हम आगे की रणनीति तय करें। श्री प्रदीप कुमार जी, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।